अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो अमल है रिज़्क़ की फरवानी और माल और दौलत का वजीफ़ा है। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है आता रहता है, उसको कभी खुशी मिलती है, कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी उसकी सेहत अच्छी होती है, कभी उसको बीमारियों ने घेरा होता है, कभी वाफर मकदार में रिज़्क़ होता है, पैसों की रेल पेल होती है, तो कभी एक वक्त के खाने को भी कुछ मैसर नहीं होता, कभी वसैल कभी मसैल। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते रहते हैं। लेकिन असल तो कमाल ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करे, उसी तरफ से जो भी नेमत मिलती है उस नेमत पे खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए क्यों ना कि जो मिलता है अल्लाह ही की ज़ात जो है वो देने वाली ज़ात है और उसी ज़ात से मिलता है, इसलिए तन्हाई में उसको याद करना चाहिए, उसके आगे जो है सजदा करना चाहिए। और अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फज़करून याज़कुरकुम, आप जो है अपने प्यार से मुझे याद करो, मैं आपको अपने प्यार से याद करता हूँ। तब जाकर फिर अल्लाह पाक भी उस इंसान को नवाजता है। आज हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा जो है बताने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाती है, बेरोज़गारी नहीं रहेगी। अगर कारोबार है तो उसमें इतनी बरकत आ जाएगी कि आप खुद हैरान होंगे। इसमें ऐसी बरकत आएगी कि आपको संभालने से भी नहीं संभाला जाएगा। ये वजीफ़ा बस रात को सोने से पहले आपने कर लेना है, तो फिर उसके कमालात आप देखें। वजीफ़ा आपने इस तरह करना है कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने 3 बार अव्वल आखिर पढ़ना है और दरमियान में आपने 300 मरतबा या वहाबू या रज़ाको, ये जो है अल्लाह पाक का इसमें ग्रामी है, ये आपने पढ़ने हैं 300 मरतबा। उसके बाद फिर आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, किसी से बात किए बगैर सो जाएं। माल दौलत में इतना इजाफा होगा कि आप खुद हैरान होंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही मुयस्सर है, इंशाअल्लाह ताला बेपनाह माल जो है दौलत में इजाफा होगा। ये अमल 1 साल तक आपने जारी रखना है। ये मुतवातर जो है इस चीज़ का आपने अपने अमान के साथ कैमो दैम हो के ये वजीफ़ा जो है आपने करना है। इंशाअल्लाह पहले दूसरे दिन आपको इसका फ़र्क महसूस होगा, लेकिन ये आपने करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये अमल 1 साल तक जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वो हर चीज़ों से नवाजेगा जो आपकी ख्वाहिशात में शामिल हैं, जो आपने सोची हुई हैं। अगर हो सके तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, पूरी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से ज़िंदगी की जो भी मुताजी है, जो भी मामलात हैं रिज़्क़ के हवाले से, वो सब दूर हो जाएंगी। रिज़्क़ की फरवानी और माल दौलत की रेल पेल होने लग जाएगी। इतना आपको अल्लाह पाक की ज़ात रिज़्क़ देगा कि आप दूसरों को देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का अमल है, इसको आप करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।